आंगनवाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के बैनर तले सोमवार को दर्जनों आंगनवाड़ी कर्मचारी और सहायिकाओं ने नगर निगम स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में बैठक की। बैठक की अध्यक्षता एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष गीता पांडे ने किया। बैठक में मुख्य रूप से सरकार द्वारा 62 वर्ष पूर्ण कर चुकी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती मिनी कार्यकर्ती और सहायिकाओं की सेवा समाप्त करने के शासनादेश जारी करने और इनकी सेवा समाप्त कर दिए जाने के निर्देश के संबंध में चर्चा की गई। साथ ही सरकार को अपने आदेश को वापस लेने की मांग की गई। बैठक के दौरान पूनम गौड़, रीता गुप्ता, सुमित्रा, शांति देवी, गायत्री दुबे, अनुराधा सिंह, रंभा देवी, सुशीला तिवारी, संगीता दुबे सहित दर्जनों आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और सहायिकाएं मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष गीता पांडे ने कहा, गीता पांडे आंगनवाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन उत्तर प्रदेश। आज हमारी बैठक रखी गई है भैया, विशेष करके जो 62 साल की हमारी बहनें निकाली गई हैं, तो उस परिप्रेक्ष्य में आज ये आवश्यक बैठक रखी गई है। इसमें सरकार द्वारा जो 22 जुलाई को विशेष सचिव द्वारा जो आदेश किया गया है, तो उनकी हमारी 62 साल की बहनों को उनको सेवा से निकाल दिया जाए। तो एक तरफ कह रहे हैं कि हम आपको 62 साल में रिटायरमेंट कर रहे हैं, तो रिटायरमेंट की कहाँ बात गई जब हम कर्मचारी में नहीं आते हैं। हमको सरकार कहती है आप समाज सेविका हैं, तो रिटायर की बात आती ही नहीं है। और इस 62 साल को निकाल दिया गया है, सरकार इसको तत्काल वापस ले। हमारी बहनों को 62 साल में उनको खाली हाथ, ना कोई धनराशि, एक मुश्त धनराशि, ना कोई पेंशन, ना कोई फंड, उनको बिना कुछ दिए हुए ऐसे ही उनको सेवा से निकाल दिया जा रहा है। कोई नोटिस भी नहीं उनको दिया गया, उन कोई सूचना उनको नहीं दी गई कि आपको 62 साल में रिटायरमेंट करके घर बैठा दिया जा रहा है। सरकार के द्वारा कोई एक लेटर भी नहीं आया तत्काल उनका, बस केवल देख करके कि आपकी जन्मतिथि कितना है, ऐसे ही उनको बुला करके नोटिस पकड़ा दिया गया कि आप सेवा मुक्त हो गई। सरकार से हम आग्रह कर एक तरफ करेंगे कि सरकार इनको एक मुश्त धनराशि दे करके करे रिटायर 62 साल में, लेकिन एक मुश्त उनको धनराशि दे करके और उनको मासिक कुछ उनके जीवन यापन के लिए, जो हमारी बहनें इस समय कुछ करने लायक नहीं है, घर पे जाएंगी तो उनके बेटा, उनकी बहू कहेंगे कि आपको क्या मिला, आप क्या लेकर के आई। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में सरकार दुनिया भर का फंड बांट रही है, विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, दुनिया भर का पेंशन। तो हम चाह रहे हैं कि जो हमारी बहनें 62 साल में निकाली जा रही हैं, उनको एक मुश्त धनराशि और पेंशन रूप में उनको दिया जाए। हम सरकार से यह चाहेंगे, नहीं तो अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो हम लोग आर पार की लड़ाई सरकार से लड़ने के लिए तैयार हैं।